उटिया पाठ पढ़ेंगे। कौन सा? बोल उटिया पाठ तेरह बोल उठी बिटिया। ये तो कविता है, कौन लिखा है इस कविता को? यस, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 74। बोल उठी बिटिया। बिटिया क्या कह रही थी, किसे कह रही थी? ये है कविता। एक बेटी, एक छोटी सी बेटी, नन्ही मुन्नी छोटी बेटी अपनी माँ से कह रही कि मुझे खेलना है। वो खेल रही थी, मिट्टी से खेल रही थी। वो मिट्टी खाकर और टोटल टोटल शब्दों में, यानी स्टटर स्टटरिंग शब्दों में, ಇನ್ನ ಕನ್ನಡ ತೊಳಗ ತೊದಲು ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತೊದಲು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅನಿಸ್ತೈತಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ತೊದಲು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳ, ಆನಂದಿಸ್ತಾಳ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ. ಈ ಕವಿಯತ್ರಿಯವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತೊದಲು ಮಾತು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಗಳಿನ ಮತ್ತು ಆ ಮಗಳಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚೋ, ತೋ ಆಜ್ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಸೀಖ್ ರಹೇ, ಏಕ್ ಮಾ ಏಕ್ ಬೇಟಿ ಕಿ ಬಾತೇ ಸುನ್ತಿ ಹುಯಿ ಉಸೇ ಖುಷಿ ಸೇ ಉಂ ಬೋಲ್ ರಹಿ ಥಿ ನಾ ಉಸ್ ಬಾತೇ ಸೇ ಉಸ್ಕಿ ಮಾ ಕೋ ಬಹುತ್ ಆನಂದ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ನಾ ಉಸ್ಕೋ ಆ ಖುಷಿ ಸೇ ಉಮರ್ನಾ ಇಸ್ ಕವಿತಾ ಮೇ ಹಮ್ ಪಡ್ತೇ ಹೈ ಬಚ್ಚೋ. ತೋ ಆಪ್ನೇ ಆಪ್ನೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಿಕಾಲಾ, ಪಾಠ ತೇರಹ ಕೌನ್ का बोल उठी बिटिया। तो पहले हम क्या करेंगे, कवियत्री का छोटा सा परिचय पढ़ेंगे। तो कवियत्री मैं पहले बोलती हूँ, पढ़ती हूँ, बाद में इसकी सारांश बोलती हूँ। जब जब मैं पढ़ती जाती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है बच्चों। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री हैं। आपका जन्म 1904 में हुआ है और मृत्यु 1948 को एक कार दुर्घटना में हुई। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर, यहाँ पर नहीं दिया है। बड़े हम बार बार सुभद्रा कुमारी चौहान का कवि परिचय सीखे भी हैं, लिखे भी हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जन्म स्थल का बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो हम इसी खाली लिखते हैं 1904 में। मृत्यु कब हुई थी उनका, 1948। आपकी काव्य पंक्तियां, यहां पर आपके, आपका, आपकी ऐसे शब्द दिया गया, क्योंकि हम गौरव सूचित करते हैं इनको, इसलिए ये गौरव सूचित वर्ड है जो हम यहाँ पर प्रयुक्त कर रहे हैं। आपकी काव्य पंक्तियां, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये तो बहुत मशहूर कविता संग्रह है, हमें पहले ही पढ़ चुके हैं खूब लड़ी मर्दानी। छोटे फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड में इनके छोटे छोटे पद्य का अंश भाग हमने पढ़े हैं। मुकुल आपका कविता संग्रह है, इसके अलावा आपका कहानी संकलन और शिशु साहित्य भी प्रकाशित है। तो खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली कविता संग्रह बहुत प्रसिद्ध है। मुकुल, मुकुल आपका कविता संग्रह, एक और कविता संग्रह है मुकुल। इसके अलावा उन्होंने कहानियां भी लिखी हुई हैं, छोटे छोटे कहानियां भी उन्होंने लिखे हैं। शिशु साहित्य, छोटे छोटे बच्चों के लिए शिशु साहित्य भी उन्होंने लिखे हैं।
की हुई थी। शिशु साधी हैं उनके रचनाएं। तो शब्दार्थ पहले हम पढ़ेंगे, शब्दार्थ बाद में कविता पढ़ेंगे। कुटिया यानी कुटीर, कुटिया यानी कुटीर। आपको क्या करना है बच्चों, पहले कविता लिखना है, बाद में कवि परिचय लिखना है, बाद में शब्दार्थ लिखना है। अच्छा बच्चों, कुटीर, कुटिया यानी कुटीर। घर, माँ, ओ माँ, माँ, माँ को बुलाना है ना, आप घर में बैठकर अपने माता को बुलाती ना, पिता को बुलाती ना, ऐसे ही वो भी छोटी बच्ची बुला रही है। कौतूहल यानी आश्चर्यचकित होना, आश्चर्य से। छलकना, उमड़ना, खुशी से बोलना। आह्लाद, आनंद। लालिमा, प्रसन्नता। झलकना, प्रकट होना। यह है पद्य के शब्द। तो अब हम पहले पद्य पढ़ते हैं, बाद में इसका सारांश हम बोलते हैं। तो बोल उठी बिटिया, मैं मेरे साथ साथ आप ही को भी बोलना है, पढ़ना है। इस कविता में बिटिया की तुतली बोली और मौज से मिट्टी खाने के प्रसंग का वर्णन है। बेटी की मंजुल मूर्ति देखकर खिल उठने वाली माँ की ममता का सहज चित्रण भी है। तो इसमें क्या दिया गया है, स्टटरिंग वाइल स्पीकिंग, व्हेन छोटी वो छोटी बच्ची अपनी माता के सामने तूतल से बोलना यानी स्टटरिंग से बोलना, बहुत खुशी से उमड़ते हैं बड़े। मौज मिट्टी खाने का प्रसंग, तो बेटी क्या कर रही थी, मिट्टी में खेल रही थी और मिट्टी को भी खा रही थी। उस खाने ते वो भी अपने हाथ से लिए, अपनी बेटी माँ के लिए वो भी लाई थी कि खाओ, तू भी खाओ, ऐसे उस प्रसंग में यहाँ पर दिया गया है। बेटी की मंजुल मोती देखकर जब वो मिट्टी में खेल के आई तो उसके कपड़े, उसके हाथ सभी भी मिट्टी से पीला हुआ था ना, उसको देखकर माँ क्या करना उसको समझ में, लेकिन उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है, आनंद से उठती है। तो यहाँ पर ममता का सहज चित्रण यहाँ पर दिया गया है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया सा बे मेरी। नंदनवन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ वो कह कर बुला रही थी, मिट्टी खा कर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे देखने आई थी। फुलक रहे थे अंग द्रुगो में, कौतूहल था छलक रहा। मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। तो ये है पोयम। तो फिर से पढ़ रही हूँ मैं पोयम। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदनवन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कह कर बुला रही थी, मिट्टी खा कर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे दिखाने लाई थी। फुलक रहे थे अंग द्रुगो में, कौतूहलता झलक रहा। मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, विजय गर्वता झलक रहा। तो पहला पद्य भाग में क्या दिया गया है, मैं बचपन को बुला रही थी। कवियत्री ने अपनी बचपन को याद करते हुए, अपनी बचपन को याद करते हुए वो बेटी को देख रही थी। वह बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। अपने छोटी सी, जब वो छोटे छोटे थे उनको बचपन का याद आने लगा, और माँ को भी उस बच्ची को खेलते हुए उसकी बचपन को भी याद आने लगा और बोली, नंदनवन सी फूल उठी, तो कितनी खुशी से खेल रही है, झूम झा रही है, यह छोटी सी, ये मेरी छोटी सी कुटिया में तू बहुत खुशी से झूला झूल रही है, खेल रही है, ऐसे माँ बोली। माँ वो कह कर बुला रही थी, अंदर बाहर से बेटी माँ को बुला रही थी। किसको बुला रही थी,
माँ को। बेटी माँ को बुला रही थी, क्या कहकर? माँ, ओ माँ। आपने कैसे पुकारते हैं अपने मम्मी को? मम्मी, अम्मा अंत करती, अव्वा अंत करती। इले अम्मू छोटी बेटी भी, छोटी बेटी भी माँ ओ माँ कहकर बुला रही थी। बाहर से माँ माँ कहकर दौड़ती हुई अंदर आई और बोली, मिट्टी खाकर आई थी। जब माँ ने उस बेटी को देखा तो क्या खाकर आई थी? वो मिट्टी। क्या खाकर आई थी? वो मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, कुछ मुंह में मौत, वो मुंह में कुछ खाकर आई थी, कुछ हाथ में ले भी आई थी और कुछ हाथ खाकर भी आई थी। जब माँ ने देखा तो उसके मुंह में भी मिट्टी था, उसके हाथ में भी मिट्टी था। मुझे दिखाने लाई थी उसने, वो बेटी अपनी माँ से दिखाने आई थी कि मैं भी तुम्हें मिट्टी लाई हूँ खाने के लिए। पलक रहे थे अंग दुर्गों में, कौतूहलता छलक रहा, मुंह पर भी आलाद लाल माँ विजय गर्व था झलक रहा। पुलक रहे थे, माँ क्या कहेगी उसकी, पूरी माँ क्या कहेगी उसको याद ही नहीं है, लेकिन पूरी मिट्टी में उसका अंग भी मिट्टी में हुआ, मिट्टी पर हुआ था, उसके मुंह में भी मिट्टी था, हाथ में भी मिट्टी था, पूरे भाग में उस मिट्टी से ही मिली हुई थी। तो उसको देखकर क्या करना माँ? कौतूहलता झलक रहा, उसके आंख में कौतूहल आश्चर्यचकित से बोल रही थी कि खुशी से उमड़ जाती। मुंह पर भी आलाद लालिमा विजय गर्वता झलक रहा, उसकी आंख में विजय, मैं कैसी विजय पा रही, देखो मैं मिट्टी खाकर आई, उसके आंख में बहुत से गर्व रहता था। अब उसने देखा विजय घर, विजय यानी खुशी से उमड़ना, यहाँ पर विजय यानी आप देख रहे हैं जवरापर को विजय आना, वो विजय नहीं, एक छोटी सी बच्ची खेलते हुए अपनी खुशी से अपनी आंख में विजय का खेलती हुई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ ऐसे उसके आंख में आह्लाद देना, वो माँ देखी। कैसे यहाँ पर माँ का और बिटिया का गुणगान यहाँ पर दिया गया है बच्चों, ये है आज का कविता। तो हमने क्या करना है, मैं इसकी समरी, मैं इसकी समरी आपको इमेजेस करती हूँ, आपको देखकर इसकी समरी लिखना है। तो होमवर्क क्या है आपको, पहले पोयम लिखना है, कविता लिखना है, फिर बाद में कवि परिचय। कवि परिचय लिखना है और शब्दार्थ और कविता का अर्थ सारांश। सारांश लिखना है और नेक्स्ट प्रश्न उत्तर। मैं यहाँ पर ही आपको उत्तर लिखा के छोड़ती हूँ, आपको क्या करना है इसको देखकर अपनी अपनी फेसबुक कंप्लीट करना है, मैं इमेजेस नहीं भेजती। आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर आंसर्स लिख के दिखाती हूँ, आपको उसको देखकर कंप्लीट करना है। प्रश्न उत्तर, तो बिटिया क्या कहकर बुला रही थी? बिटिया क्या कहकर बुला रही थी? बिटिया माँ कहकर बुला रही थी। मैं यहाँ पर उत्तर लिखा के दिखा रही हूँ, बिटिया माँ कहकर बुला रही थी। दूसरा, बिटिया क्या कहकर आई थी? बिटिया
मिट्टी खाकर आई थी। बिटिया मिट्टी खाकर आई थी। तीसरा, बिटिया की आंखों में क्या झलक रहा था? बिटिया की आंखों में कौतूहल झलक रहा था। बिटिया की तो यह तीन प्रश्न के तीन उत्तर। नेक्स्ट आपको क्या करना है? पद्य भाग को पूरा करना है। क्या करना है? पद्य भाग को पूरा करना है। कंप्लीट फेज बुक। पद्य भाग क्या है? मैं बचकन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो इस भाग को आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट ग्रामर, उदाहरण के अनुसार लिखो। क्या लिखना है आपको? वह दूध बेचती है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण को देख देख कर आपको नेक्स्ट वाक्य बनाना है। वह चित्र बनाती है। वे चित्र बनाते हैं। तो आपने इसको कॉपी कर लिया है तो मैं इसको रब करती हूं। वह दूध बेचती थी, वह चित्र बनाती थी, तो वे चित्र बनाते थे। वे चित्र बनाते थे। मैं अंडे लाता हूं। मैं अंडे लाता हूं। और यहां पर क्या दिया है? बहुवचन में हम अंडे लाते हैं। तो यहां पर एक वचन में मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो बहुवचन में क्या होता है? हम पुस्तक पढ़ते हैं। वे चित्र बनाते थे। ऐसे हमें क्या करना है? लिखना है। हम पुस्तक पढ़ते हैं। हम पुस्तक पढ़ते हैं। तीसरा, मैंने फल खाया। मैंने नींबू खरीदा। हमने फल खाए, हमने नींबू खरीदे। हमने नींबू खरीदे। नेक्स्ट एक आप ही को देती हूं, आप ही को लिखना है। नेक्स्ट उदाहरण के अनुसार दुकान शब्द लिखो। मैं केवल यहां पर आंसर्स लिखा के चलती हूं। आपको क्या करना है? पेंसिल लेकर टेक्स्ट बुक में कॉपी करो, फिर बाद में फेसबुक में कॉपी करो। बाल चाल, जान पान, दुकान शब्द के आंसर। फोर्थ वन में फर्स्ट पान, दूसरा गिराया उठाया गिराया, तीसरा आते जाते, फोर्थ में भेद पे सच्चे
बच्चे। तो ए है तुकान शब्द के आंसर्स। नेक्स्ट, आपको इस कविता में से आए हुए तुकान शब्द को चुनकर लिखना है, जैसे कि बचपन नंदनवन, बिटिया कुटिया, आई लाई, फूल गुल, छलक फलक। मैं तो आंसर्स बोली हूं, आपको क्या करना है, कॉपी करना है। नेक्स्ट, विलोम शब्द का मिलन करो, यानी जॉइंट मैच द फॉलोइंग। वरदान अभिशाप, आपने कॉपी कर लिया है मैं समझती हूँ। यहाँ पर विलोम शब्द का आंसर आपको लिखाती हूँ। पहला क्या है, वरदान अभिशाप। सेकेंड, सुख दुख, सुख दुख। बलवान बलहीन। तो आपको क्या करना है बच्चों, मैच द फॉलोइंग, इनके अपोजिट्स ढूंढकर लिखना है। आपको क्या करना है, पूरे फेयर बुक कंप्लीट करना है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हैव ए गुड डे।